मेरा मानना है कि जो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा प्रदेश के अंदर है, उस पर जिसने कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी एक ले लिया है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं कहना नहीं चाहता, दे हैव एक्सप्रेस्ड दे विल, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं उस प्रश्न को लेकर, ये जो ओपीएस का प्रश्न है, मैं आज समझता हूं ये सेंट्रल क्वेश्चन आज हिमाचल प्रदेश में बन गया है और कोई भी इस पर करेक्ट डिसीजन लिए मैं नहीं समझता हूं वो जनता के मन में खरा उतर पाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि इस सदन के अंदर जब भी चर्चा होती है बिलों को लेकर, मैं हर बिल को बड़ी नजदीकी से ध्यान से पढ़कर, और आपसे भी विनती करता हूं कि समय दें आप, मैं रेफर कर रहा हूं ये जो बिल 2006 में लाया हिमाचल प्रदेश सर्विस कंट्रीब्यूशन पेंशन रूल्स 2006 रूल्स आए, ये उसका एक्ट पहले आया, मैं कह नहीं सकता उस समय मैं था नहीं यहां पर सदन के अंदर, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी त्रुटि रह गई, कितना बड़ा अन्याय हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ने इस रूल के तहत किया। इस रूल के तहत किया, पुराने रूल हमने क्या कहा इसमें, मुझे आप मौका दें मैं बड़े संक्षेप में ये कहना चाहता हूं, इसमें कहा गया एंड वेयर एज वाइल मेकिंग दी सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 इनएप्लीकेबल टू दी अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन और आफ्टर 15/5/2003 द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू नोटिफाई द कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर सच गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये 2006 में हमने लाए लेकिन एप्लीकेबल किए 3 में समाप्त कर दिया हमने पुराने रूल, लेकिन 3 वर्ष के लिए एक ट्रांजिटरी पीरियड रखा, एक ऐसा पीरियड रखा जिसमें कोई नियम नहीं था, कोई रूल नहीं था। मुझे बताएं क्या कोई भी किस्म की चुनी भी सरकार ऐसी अनुमति दे सकती है, कोई भी सदन ऐसी अनुमति दे सकता है? ये जो हाउस है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ दी ऑपोजिशन लीडर एंड दी रूलिंग पार्टी लीडर, और हमारा दायित्व है जब हमें चुन के भेज दिया तो हम क्या ऐसी अनुमति दे सकते हैं? और मैं आज कहना चाहता हूँ जयराम जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ सदन के अंदर, ये तर्क गलत दिया जा रहा है। क्या तर्क? कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है ओल्ड पेंशन रूल्स को, ओल्ड पेंशन नियम को हम रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है वो अनुमति नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ, और आपने स्वयं करके दिया। आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जो हमारे विद्य उपासक थे वो 2000 में भर्ती हुए और 2007 में वो रेगुलाइज हुए, 2007 के बाद उन न्यू पेंशन स्कीम के तहत आए, लेकिन कोर्ट गए 2015 में, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसी हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और आज सारे के सारे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आ गए। अगर विद्या उपासक ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आ सकता है तो आप बताएं क्या बाधा है? क्या ये पॉलिटिकल विल का क्वेश्चन है या एडमिनिस्ट्रेटिव विल का क्वेश्चन है कि हम इस प्रश्न को करने में सक्षम नहीं हो रहे? इसलिए मेरा मानना है कि क्या होगा ये तो डिफीट होगा, लेकिन मैं सुकंदर सुक्कू से सहमत हूँ, आज प्रश्न ये नहीं कि ये रेजोल्यूशन डिफीट होगा या पास होगा, प्रश्न ये है कि भारत सदन के
जो आवाज उठ रही है, जो पीड़ा लोगों की उठ रही है, उस पीड़ा को ये सरकार एड्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर ये एड्रेस नहीं होगी तो कोई सरकार रह नहीं पाएगी। आने वाले समय में एक किस्म का आंदोलन नहीं चलेगा, अनगिनत किस्म के आंदोलन इस सदन के बाहर चल रहे हैं और वो आने वाले समय में तेज होंगे। सुनो जरा ध्यान से, एंड में 32 मिनट के खत्म होने लगे, आपने ओपीएस का नाम लिया, 32 मिनट आपको ओपीएस का नाम भी याद नहीं है। आप मंदिर में जाके खड़े होते हैं, मंदिर में जाके कसम खाते हैं, मैं सरकार में आऊंगा, हम ओपीएस देंगे। आपके मुख्यमंत्री अभी आए थे छत्तीसगढ़ के, ये 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं सारी कॉपी लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल आपको मैं देता हूँ। वो खुद बोल के गए हैं कि हमको भारत सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा। बिल्कुल बोला उन्होंने, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आया हूँ, बड़ा क्लियर बोल के गए हैं। ओपीएस के ऊपर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे आप, कोई नहीं दे पाएंगे। ये ओपीएस अध्यक्ष महोदय, जरा ध्यान से सुन लो, भवानी जी बैठी है, एक मिनट जरा बैठी है, बात सुन लीजिए ध्यान से। ये 2006 में साइन किसने किए थे? ये लागू तीन से किया, साइन 6 में किए। ये ओपीएस में साइन किसने किए? आज कब किए आपने साइन? सुन लो जरा ध्यान से बात। आशा जी आप बैठे। आपने 2006 में साइन किए और 2003 से लागू की, और पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज की जाती है, वो जाती है 10%, और हिमाचल प्रदेश की कितनी जाती है? 14%। थैंक्स टू द बीजेपी गवर्नमेंट की 14% की कंट्रीब्यूशन आज हमारी जाती। आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं। आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, सुनिए जरा ध्यान से, आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और आपका राजस्थान का मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति बताए जिसको पेंशन दी है उन्होंने? एक व्यक्ति बताए? सिर्फ झूठ बोलते हैं आप, यहां खड़े हो गए, केवल आप गुमराह करते हैं। हाँ, ओपीएस एक ऐसा इशू है जिस इशू को लेकर के कर्मचारियों की मांग है, मांग करने का उनका अधिकार भी है। हर व्यक्ति अपने लिए जो है अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, भविष्य को अच्छा चाहता है, तो इसलिए उनको उनकी मांग जो है उसको उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं, उस पर मुझे जरूर एक बात कहनी है। जब ये ओपीएस लागू हुआ था, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री उनके थे, आज इस दुनिया में नहीं है वीरभद्र सिंह, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनने ही पूरे देश भर में सबसे पहले कोई प्रदेश लागू करने वाला था एनपीएस को, तो वीरभद्र सिंह जी थे। अपने ही नेता ने उनके स्वीकार किया, लागू किया, और लागू करने के बाद आज हमको 20 वर्षों के बाद उस सारे विषय को लेकर के पूछ रहे हैं। 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अगर आपने ओपीएस लागू करी तो उस वक्त करते। ये सारे प्रश्न आज चुनाव से जोड़ करके करने की मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। कर्मचारियों के सारे इश्यू को लेकर के, ओपीएस के इश्यू को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, हम सारे चीजों को लेकर के रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे और कुछ निकलता है, हम मदद करने की गुंजाइश जहां से निकलती है करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ।